नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है कब्ज़ की समस्या एवं होम्योपैथी में किन दवाइयों का इस्तेमाल कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन के लिए किया जाता है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन जो है एक क्रोनिक या एक्यूट कंडीशन हो सकती है जिससे कई लोग सफ़र करते हैं। तो होम्योपैथी में किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है इस कंडीशन के लिए एवं किस प्रकार से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं एवं किस प्रकार से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन का जो मुख्य कारण होता है वो होता है पानी की कमी। कई प्रकार से जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके कारण हमारा भोजन जो रहता है, हमारा जो खाना रहता है, वो ठीक से पच नहीं पाता है, जिसके कारण कि कब्ज की समस्या बहुत ही आमतौर पर देखी जाती है। इसके अलावा जो एक और कारण होता है वो होता है हैवी फास्ट फूड या ऐसी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना, जिसके कारण कि हम ऐसा खाना खा रहे हैं या ऐसा भोजन कर रहे हो जो कि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में बाधक बन रहा हो या डाइजेस्टिव सिस्टम में ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ही आम बात है। इसके अलावा जो कॉरपोरेट एम्प्लॉय होते हैं या जिनका फिजिकल वर्क बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो होता है या बहुत ही ज़्यादा कम होता हो, ऐसे व्यक्ति में कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ही आमतौर पर देखी जाती है। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हो या किसी अन्य डिजीज से सफ़र कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन उनके कारण हो सकता है। कई बार एलोपैथी के साइड इफेक्ट के तौर पर भी हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, होम्योपैथी में किस प्रकार से हम कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर सकते हैं एवं किन दवाइयों का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन में किया जा सकता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन के लिए माइंड में आती है वो होती है नक्स वोमिका। पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि नक्स वोमिका का इस्तेमाल GIT से संबंधित हर बीमारियों के लिए किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे बार बार मोशन पास करने जाना पड़ रहा हो लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो, वो जब भी मोशन पास करने जा रहा हो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो, उसे दिन में कई बार मोशन पास करने जाना पड़ रहा हो, ऐसी कंडीशन में नक्स वोमिका का इस्तेमाल बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा जो एक और होम्योपैथी मेडिसिन है वो है ब्राउनिया एल्बा। दोस्तों, ब्राउनिया का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब कोई व्यक्ति मोशन पास करने जा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही हो, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही हो एवं जो उसका स्टूल पास हो रहा हो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो, बहुत ही ज़्यादा ताकत के साथ में पास हो रहा हो या साथ में हेडेक की कंडीशन हो। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के साथ में अगर हेडेक की कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में ब्राउनिया का इस्तेमाल बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा जो एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होती है होम्योपैथी में वो होती है एल्यूमिना। एल्यूमिना का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति को कई दिनों तक मोशन पास नहीं होता है, एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, तीन दिनों तक भी कोई व्यक्ति अगर मोशन पास करने नहीं जा रहा हो, उसे काफ़ी समस्या हो रही हो, साथ में पेट में दर्द हो रहा हो, काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक वो अगर मोशन पास नहीं कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम एल्यूमिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चों में एवं बूढ़ों में ये समस्या आमतौर पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि वह कई दिनों तक मोशन पास नहीं करने जाते हो, तब आप उसे एल्यूमिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इन मेडिसिन का इस्तेमाल 30 पोटेंसी के साथ में स्टार्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक और बायो कॉम्बिनेशन होता है होम्योपैथी में, उसका नाम है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4। BC नंबर 4 का इस्तेमाल भी कॉन्स्टिपेशन के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी टाइम से एक्यूट या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहा हो तो ऐसी कंडीशन में हम सिम्टम के बेस पे इन होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होम्योपैथी मेडिसिन सिम्टम के बेस पर बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है कॉन्स्टिपेशन की समस्या में। दोस्तों, मेडिसिन के साथ में मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं एवं हमें बहुत जल्दी ठीक होना है, बहुत जल्दी क्योर होना है, तो हमें मैनेजमेंट का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने योग्य है वो होता है पानी। हमारे शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं हो। अगर हमारे शरीर में पानी
पानी की कमी होती है तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो। इसीलिए जितनी मात्रा में पानी हो सके उतनी मात्रा में पानी का इस्तेमाल करें। दूसरी बात जो होती है, उन चीज़ों का अवॉइड करें जो कि कॉन्स्टिपेशन का कोज बन रहे हो। उन चीज़ों हैवी फास्ट फूड हो गए, पिज्ज़ा बर्गर या आइसक्रीम जैसी चीज़ें हो गई जो कि कॉन्स्टिपेशन का कोज बन रही हो, हमें उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है, या उन ऐसी मेडिसिन को अवॉइड करना है जो कि कॉन्स्टिपेशन का कोज हो रही है, या उन फैक्टर्स को अवॉइड करना हो जो कि कॉन्स्टिपेशन के कारण डेवलप हो रहे हो या कॉन्स्टिपेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। दोस्तों, अगर आपको भी लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन है या आप एक्यूट एवं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हो, तब आप होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हो। धन्यवाद।